दोस्तों इस वीडियो में हम आज करेंगे Redmi Note 11s और Moto G60 का कैमरा कंपैरिजन। और मेरे ख्याल से YouTube पे ये पहली वीडियो होगी। तो जो Redmi Note 11s है अभी फ़िलहाल में लॉन्च हुआ है ये। इसमें 108 मेगापिक्सल का आपको सैमसंग वाला सेंसर देखने को मिलता है एंड 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड है एंड 2-2 मेगापिक्सल के मैक्रो और डेप्थ है। बात करें फ्रंट कैमरे की तो इसमें आपको 16 मेगापिक्सल की सेल्फी देखने को मिलती है एंड जो ब्राइटनेस है भाई वो काफ़ी अच्छी है एंड कॉम्पैक्ट ये यहाँ पर फ़ोन है, काफ़ी लाइट वेट यहाँ पर ये फ़ोन है। बात करें यहाँ पर मोटो G60 की तो हमने बहुत सारी वीडियोज़ इसके ऊपर बना दी है, तो इसमें ज़्यादा कोई डिटेल्स में बताने की ज़रूरत नहीं है। फिर भी इसमें 108 मेगापिक्सल का सैमसंग वाला कैमरा, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड और 8 मेगापिक्सल का यहाँ पर मैक्रो आपको दिया गया है। तो सबसे पहले अगर बात करें इन दोनों के कंपैरिजन की तो वैसे कोई खास कंपैरिजन नहीं है। आपको मोटो G60 में जो अल्ट्रा वाइड कैमरा है वही मैक्रो जैसा यहाँ पर आप यूज़ कर सकते हो एंड जो दूसरा फ़ोन है इसमें 2 मेगापिक्सल का मैक्रो कैमरा है। दोस्तों इसमें हम अब वन बाय वन इसकी फ़ोटोज़ देखेंगे एंड कंपेयर करने की कोशिश करेंगे। फर्स्ट फोटो में आप देख सकते हैं ये नॉर्मल मैंने शॉट दोनों ही फ़ोन के बैक कैमरे से लिया था एंड यहाँ पर जो रेडमी नोट 11s है ये थोड़ा वार्मर टोन में यहाँ पर फोटो ले रहा है एंड आगे तक आप देखेंगे कि यही कुछ डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। बात करें मैक्रो की तो मैक्रो में यहाँ पर रेडमी नोट 11s की पिक्चर मुझे काफ़ी बैलेंस लगी है, वही है थोड़ा यहाँ पर वार्मर टोन है, इसमें भी आपको सेम डिफरेंस देखने को मिल जाएगा। बात करें क्वालिटी की तो थोड़ा मोटो G60 से आप और ज़्यादा नज़दीक जाकर फोटो ले सकते हो किसी भी ऑब्जेक्ट की। एंड उसके बाद अगर हम बात करें पोर्ट्रेट मोड की तो जो मोटो G60 है वो यहाँ पर मेरे ख्याल से बेटर परफॉर्मेंस करता है पोर्ट्रेट मोड में एंड जो रेडमी नोट 11s है वो भी यहाँ पर ठीक ठाक सी फ़ोटो ले लेता है। लेकिन यहाँ पर हमने उल्टा देखा, पोर्ट्रेट मोड में जो टेम्परेचर है वो लगता है कि मोटो G60 यहाँ पर ज़्यादा पिकअप करता है। उसके बाद अगला शॉट आप देख सकते हैं, यहाँ पर भी आपको देखने को सेम मिलेगा जो सेचुरेशन लेवल एंड कॉन्ट्रास्ट लेवल है वो मोटो G60 के पोर्ट्रेट मोड में आपको हल्का सा ज़्यादा देखने को मिलता है और रेडमी नोट 11s यहाँ पर कूलर टोन में चला जाता है, तो ये वाला डिफरेंस आपको देखने को यहाँ पर मिलेगा। बात करें इसके अल्ट्रा वाइड कैमरा की तो यहाँ पर तो भाई साफ साफ आपको विनर मोटो G60 देखने को मिलेगा, क्योंकि जो रेडमी नोट 11s है इसकी पिक्चर में आप देख सकते हैं जो डायनामिक रेंज है इसकी वो काफ़ी यहाँ पर कमज़ोर आपको देखने को मिलेगी मोटो G60 के कंपैरिजन में। एंड अगर बात करें यहाँ पर नॉर्मल शॉट की तो वो यहाँ पर मेरे ख्याल से दोनों ही फ़ोन ठीक ठाक ले लेते हैं एंड वही बात आ जाती है मेन कैमरा की कि जो रेडमी नोट 11s है उसमें आपको थोड़ी सी वार्मर टोन देखने को मिलती है, वहीं मोटो G60 यहाँ पर कूलर टोन में फ़ोटो लेता आपको नज़र आएगा। ये दोस्तों दोनों ही फ़ोन के बैक कैमरे से मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ इस टाइम और ये डे की यहाँ पर पूरी क्वालिटी आपको मैं दिखा रहा हूँ किस तरीके की दोनों फ़ोन से देखने को मिलेगी। वैसे जब मैं अभी बना रहा हूँ तो मैं दोस्तों पूरा अंदाज़ा नहीं लगा सकता हूँ कि इसमें कलर्स वगैरह अच्छे आ रहे हैं, क्योंकि देखने में रेडमी नोट 11s में मुझे अच्छा लग रहा है क्योंकि इसमें आपको एमोलेड स्क्रीन देखने को मिलती है। जो क्वालिटी आपको कलर्स की देखने को मिलेगी वो इसमें स्क्रीन वाइज आपको अच्छी देखने को मिलेगी, लेकिन आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि कौन से फ़ोन का कैमरा यहाँ पर बेटर फंक्शनिंग कर रहा है। एंड आपको यहाँ पर डेडिकेटेड EIS मोड देखने को मिलता है मोटो G60 में, बट जो मोटो G60 है इसका वेट भी थोड़ा ज़्यादा है तो वीडियो बनाते हुए उसमें भी आपको थोड़ा सा फ़र्क देखने को मिलेगा। लेकिन अगर बात करें यहाँ पर EIS की तो मेरे ख्याल से मोटो G60 में बेटर वर्क कर रहा है एंड काफ़ी ज़्यादा स्टेबल वीडियोस निकाल रहा है यहाँ पर मोटो G60। एंड कलर्स की बात करें तो दोनों ही फ़ोन्स मेरे ख्याल से ठीक ठाक कलर्स यहाँ पर प्रोड्यूस कर लेते हैं एंड दोनों ही फ़ोन में आप शिफ्ट कर सकते हो यहाँ पर जो जूम है दोनों ही फ़ोन में आपको तगड़ा देखने को। अगर वीडियो में दोस्तों जूम की मैं बात करूँ तो जो MI का फ़ोन है वो यहाँ पर 6x तक जूम करता है और जो मोटो G60 है वो यहाँ पर 8x तक जूम कर सकता है वीडियो में, लेकिन जो क्वालिटी है वो दोनों ही फ़ोन की मेरे ख्याल से उतनी अच्छी नहीं है। अब मैंने दोस्तों दोनों ही फ़ोन में यहाँ पर 6x जूम कर रखा है तो आप देख सकते हैं किस तरीके की क्वालिटी दोनों फ़ोन में हमें देखने को मिलेगी। दोस्तों ये वीडियो मैं दोनों के यहाँ पर अल्ट्रा वाइड कैमरे से रिकॉर्ड कर रहा हूँ
एंड यहाँ पर मैं आपको वॉक करके दिखाता हूँ, एंड स्टेबिलिटी का आप यहाँ पर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरीके की दोनों फ़ोन से आपको देखने को मिलेगी। एंड अगर यहाँ पर क्वालिटी की मैं बात करूँ तो मुझे थोड़ी सी यहाँ पर मोटो जी 60 की अल्ट्रा वाइड में क्वालिटी अच्छी देखने को मिल रही है। एंड यहाँ पर कलर्स की बात करूँ तो वो भी थोड़े से मुझे यहाँ पर मोटो जी 60 में अच्छे नज़र आ रहे हैं। एंड डायनामिक रेंज भी मोटो जी 60 बेटर यहाँ पर कैप्चर कर रहा है। बाकी स्टेबिलिटी आप दोनों कैमरे की देख सकते हैं यहाँ पर किस तरीके की है। यहाँ पर डेडिकेटेड EIS आपको देखने को मिल जाता है मोटो जी 60 में। तो क्वालिटी वीडियो की दोनों ही फ़ोन ठीक ठाक कैप्चर कर लेते हैं। चलिए अब आपको कुछ अल्ट्रा वाइड सैंपल्स में यहाँ पर दिखाता हूँ। दोस्तों आप दोनों ही फ़ोन से यहाँ पर काफ़ी अच्छी खासी वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो। एंड इस टाइम आप यहाँ पर क्वालिटी देख सकते हैं दोनों फ़ोन से किस तरीके की देखने को आपको मिलेगी। और ये यहाँ पर नाइट के कुछ सैंपल हैं। जो नॉइज़ है अगर मैं स्क्रीन पर बताऊँ आपको इस टाइम, तो मुझे मोटो जी 60 में नॉइज़ काफ़ी ज़्यादा दिखाई यहाँ पर दे रही है। अब पता नहीं जैसे रेडमी नोट 11S है जो इसमें हमें यहाँ पर AMOLED वाली स्क्रीन देखने को मिलती है, शायद से इस वजह से जो कलर्स है वो मुझे अच्छे दिखाई दे रहे हैं। लेकिन असली पता तो आप लोगों को यहाँ पर लग रहा होगा कि इसमें ज़्यादा अच्छे कलर्स और कम नॉइज़ यहाँ पर कौन सा फ़ोन गेन कर रहा है। तो एक बार दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर। एंड स्टेबिलिटी दोस्तों मैं आपको दिखा दूँ कि इस फ़ोन की यहाँ पर कैसी है। तो आपने दोस्तों देख लिया, एंड चलिए और कुछ मैं आपको यहाँ पर सैंपल्स दिखाता हूँ। तो दोस्तों ये दोनों पिक्चर मैंने इन दोनों फ़ोन से कैप्चर की है नाइट में, एंड यहीं पर भी आपको सेम रिज़ल्ट देखने को मिलेंगे। मोटो जी 60 यहाँ पर कूलर टोन में फ़ोटो लेता है, एंड वहीं रेडमी नोट 11S यहाँ पर वार्मर टोन में फ़ोटो ले रहा है। तो डिटेल्स की बात करूँ दोनों यहाँ पर सिमिलर से पिक करते हैं, नॉइज़ दोनों में यहाँ पर बराबर कैप्चर होती है। दोस्तों आप देख सकते हैं मैं यहाँ पर मोटो जी 60 से एंड रेडमी नोट 11S से वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। एंड ये नाइट में दोस्तों वीडियो रिकॉर्ड हो रही है यहाँ पर, एंड आप दोनों फ़ोन के फ्रंट कैमरा की क्वालिटी यहाँ पर देख सकते हो। तो जो आपको यहाँ पर वीडियोस में बता रहे हैं लोग उस पर आप विश्वास मत कीजिए, जो मैं आपको यहाँ पर प्रूफ दे रहा हूँ उस पर आप विश्वास कर सकते हैं। एंड यहाँ पर देख सकते हैं जैसे ही हम थोड़ी लाइटिंग कंडीशन में जाते हैं तो कुछ इस तरीके की आपको फ़ोटो दोनों ही सॉरी वीडियो दोनों ही फ़ोन से देखने को मिल जाएगी। तो एक में आपको 32 मेगापिक्सल की सेल्फी मिलती है, एक में 16 की। तो क्वालिटी में तो दोस्तों यहाँ पर थोड़ा बहुत फ़र्क आपको देखने को मिलेगा, लेकिन अगर बात करें यहाँ पर लाइट की तो अभी मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो अभी मैं बता नहीं सकता हूँ कि कौन सा फ़ोन यहाँ पर बेटर कैप्चर कर रहा है। लेकिन मेरे ख्याल से जो लाइट गैदरिंग है वो यहाँ पर रेडमी नोट 11S काफ़ी अच्छी कर रहा है, और जो नॉइज़ है वो दोनों ही फ़ोन में लगभग सिमिलर सी है। एंड अगर मैं इस तरीके आपको यहाँ पर चल के दिखाऊँ तो आप देख सकते हैं जो स्टेबिलिटी है वो मेरे ख्याल से यहाँ पर मुझे मोटो जी 60 में थोड़ी सी अच्छी नज़र आ रही है। तो कुछ इस तरीके की आपको वीडियो क्वालिटी देखने को मिलेगी नाइट में दोनों ही फ़ोन से। दोस्तों अगर बात करें सेल्फी की तो मोटो जी 60 आपको यहाँ पर 32 मेगापिक्सल के कैमरे के साथ मिलता है, एंड वहीं रेडमी नोट 11S 16 मेगापिक्सल के साथ आपको देखने को मिलता है। यहाँ पर मैंने दोनों ही फ़ोन का ब्यूटी मोड ऑन कर रखा है, एंड मोटो जी 60 हल्की सी बेटर यहाँ पर फोटो ले लेता है डायनामिक रेंज के साथ। नेक्स्ट फोटो में आप देख सकते हैं डायनामिक रेंज दोनों की नॉर्मल यहाँ पर आई है, थोड़ी सी बेटर बोलूँगा मोटो जी 60 में, लेकिन जो कलर्स हैं वो मुझे बेटर लगे रेडमी नोट 11S के, क्योंकि ये सैचुरेशन लेवल यहाँ पर थोड़ा सा बढ़ा देता है, आप मेरी शर्ट की और यहाँ पर देख सकते हो। उसके बाद बात करें पोर्ट्रेट मोड की तो वो भी दोनों ही फ़ोन काफ़ी अच्छे से यहाँ पर निकाल लेते हैं। यहाँ पर मोटो जी 60 में पोर्ट्रेट मोड के साथ आप ब्यूटी मोड भी ऑन कर सकते हो, तो उसका इफ़ेक्ट आपको थोड़ा बहुत यहाँ पर देखने को मिलेगा। अदरवाइज़ दोनों ही फ़ोन में काफ़ी अच्छे पोर्ट्रेट मोड आपको देखने को मिल जाते हैं। एंड बात करें इसके बाद यहाँ पर कुछ और सैंपल्स की तो इस तरीके की आप फ़ोटोज़ यहाँ पर निकाल सकते हो। ये फ़ोटोज़ 108 मेगापिक्सल पे मैंने यहाँ पर क्लिक की है, एंड जो डायनेमिक रेंज है मोटो जी 60 यहाँ पर क्लियर विनर है, आप चेक कर सकते हो। उसके बाद जब आप जूम करोगे फिर आपको देखने को मिलेगा कि जो पिक्चर क्वालिटी है दोनों यहाँ पर बिल्कुल सेम निकालते हैं दोस्तों, थोड़ा भी ऊपर नीचे यहाँ पर नहीं है। लेकिन मैं फिर भी कहूँगा जो कलर्स वगैरह है मोटो जी 60 हल्के से अच्छे यहाँ पर कैप्चर कर लेता है। एंड जो नाइट में अगर 108 मेगापिक्सल की बात करें तो वहाँ पे दोनों सिमिलर सी फ़ोटो यहाँ पर लेते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था, अगर आपको कोई और वीडियो चाहिए इन्हीं दोनों फ़ोन के ऊपर तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट कर सकते हो।